गाइस, मेथी दाने में सिर्फ ये चीज मिलाकर अपने चेहरे पर रोजाना एक महीने के लिए लगा लीजिए। ये ऐसे मैजिक की तरह आपकी स्किन पर काम करेगी। सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा रिंकल्स है, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है, ये आपकी स्किन को अपलिफ्ट करेगी। आपकी स्किन जो सैग कर गई है, ढीली पड़ गई है, झुर्रियां बहुत ज्यादा आ रही है, तो ये उन सबको रिड्यूस करेगी। 101% आपको इससे रिजल्ट मिलेगा। अगर आपकी स्किन धूप की वजह से बहुत ज्यादा काली हो चुकी है तो ये आपकी स्किन को बहुत अच्छा निखार देगी। पिंपल्स एक्ने के मार्क्स हैं या फिर आपके एक्टिव पिंपल्स हैं जिस बिल्कुल अभी निकल रहे हैं और पस वाले हैं, तो ये उनको भी सुखा देगी। मतलब आपके फेस से जुड़ी कोई भी समस्या है तो डेफिनेटली आज का मेरा ये क्रीम आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। प्लस में मैं ये एक और चीज़ बता देती हूँ कि मेल फीमेल हर कोई इसको यूज़ कर सकता है, बच्चे बूढ़े जवान हर कोई इसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। कोई भी एज लिमिट नहीं है, कोई भी जेंडर नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाने का सही तरीका क्या है। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हम यूज़ कर रहे हैं मेथी दाने का। यहाँ पे मैंने मेथी दाने को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है, उसका पाउडर बना लिया है। मेथी दाने में फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम, सोडियम, कॉपर भरपूर मात्रा में होता है। प्लस में ये एंटी एजिंग का काम करता है। जैसे ही आप इसको स्किन पर लगाएंगे ये इतना अल्टीमेट रिजल्ट आपको देगा जो आज से पहले आपने कभी इमेजिन नहीं करा होगा, राइट? तो हमें इसको पीस लेना है। पीसने के बाद हमें इसको छानना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटा है जो आपके स्किन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हम इसको एज अ क्रीम फॉर्म में बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम एक बाउल लेंगे और इसमें छान लेंगे। इस तरीके से हम इसको बिल्कुल छान लेंगे ताकि जितना बिल्कुल महीन जो पाउडर है वो हमें मिल जाए। और जो बाकी इसका मोटा मोटा बच जाएगा उसको भी आपने फेंकना नहीं है, बल्कि एज अ स्क्रब यूज कर सकते हैं, जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल पाउडर जो है वो नीचे आ चुका है और जो इतना भी मोटा मोटा था दाना वो हमारे पास छन्नी में है, तो उसको आपने संभाल कर रख देना है। अब नेक्स्ट चीज़ हम इसमें क्या लेने वाले हैं, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा रहेगा सौंफ। यहाँ पे मैंने 1 स्पून सौंफ लिया है। सौंफ क्या करता है, आपके स्किन पर एंटी एजिंग का काम करता है। जितने भी आपके एक्टिव पिंपल्स हैं, एक्ने के मार्क्स हैं, झाइयाँ हैं, आपकी स्किन को एकदम क्लीन करता है। प्लस में ये आपकी स्किन पर बहुत अच्छा ग्लो लेकर आएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ों को हम बॉईल करेंगे। आप चाहें तो मेथी दाने को भी डायरेक्टली बॉईल कर सकते हैं, लेकिन जो पाउडर बॉईल होगा तो उसका ज़्यादा अच्छा इफेक्ट उस पानी में आ जाएगा। अब हम इस तरीके का एक बर्तन ले लेंगे, ठीक है, उसमें हम ये पाउडर ऐड कर देंगे। 2 स्पून लिया है मैंने पाउडर और 1 स्पून लिया है मैंने सौंफ। इसमें हम 2 ग्लास पानी डालेंगे। जो आपने इसमें वाटर डालना है वो याद रखेगा कि आपने फिल्टर वाटर का यूज़ करना है, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे लोगों के घर में जो पानी आता है वो हार्ड वाटर होता है, जिससे कि हमारी स्किन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान आपने रखना है, फिल्टर वाटर का यूज़ करना है। 2 ग्लास पानी हमने ऐड कर लिया है। अब हम इसको बहुत ज़्यादा उबालना है ताकि इसका पूरा इफेक्ट जो है इस पानी में आ जाए। इसको हमें इतना बॉयल करना है कि हाफ कप रह जाए या हाफ ग्लास, जो भी आपने मेजरमेंट लिया है, ठीक है। इसके बाद और भी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे, तो वीडियो देखते रहिए और एग्जैक्टली एज इट इज़ आपको फॉलो करना है इसको। और जब ये बनकर तैयार होगा, जब आप इसको अप्लाई करेंगे, तो प्लीज़ अपना रिजल्ट मुझसे ज़रूर शेयर करना। तो चलिए इसको गैस पर रखते हैं और इसको बॉयल करते हैं। अब आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है और इसकी क्वांटिटी भी कम हो चुकी है, ठीक है। तो आपको कम से कम इसको 10 से 15 मिनट के लिए उबालना पड़ेगा, आपको इतने पेशेंस रखने होंगे, तभी वो उस पानी में सारा असर इसका आएगा, ठीक है। उसके बाद आप गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। इसको आप इजीली 1 मंथ तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए अब मैं इसको ठंडा थोड़ा सा कर लेती हूँ, देन हम इसको छान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बाउल में छान लेंगे। जो बाकी का वाटर है उसको भी आप छान कर एज इट इज फ्रिज में लगा दीजिए। अभी मैं आपको थोड़ा सा यूज़ करके दिखा रही हूँ कि हमें इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं। जब आपका ये वाला पोर्शन मतलब डेली यूज़ करके जब फिनिश हो जाएगा, तो जो आपका रेस्ट बचा हुआ है वाटर उसको भी आप छान लीजिएगा इमिजिएटली, और उसके बाद उसमें बाकी चीज़ें आप मिक्स करते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसमें देख लेते हैं हमें इस जेल में और हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट रहेगा हमारा हल्दी। हल्दी यहाँ पे मैंने दी है 1/4 स्पून। अगर आपको
किचन हल्दी की जगह कस्तूरी हल्दी मिलती है, जिसे हम सफ़ेद हल्दी कहते हैं, तो वो और ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि वो स्पेसिफिक स्किन के लिए बनी होती है। ठीक है, मेरे पास अभी यही थी तो मैं यही वाली यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से आप इसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद में इस जेल में हम डालेंगे 2 स्पून्स एलोवेरा जेल। अगर आपके पास प्लांट बेस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मार्केट वाला यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आपको इसको मिक्स कर लेना है। एलोवेरा जेल भी क्या करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं एक्ने की, पिगमेंटेशन की, उसको रिड्यूस करता है, रिंकल से भी आपकी स्किन को बचाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा यहाँ पर रहेगा ग्लिसरीन। ये आप सारी स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं। ग्लिसरीन वैसे आपने यूज़ करना है 2 स्पून, अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आपने यूज़ करना है 1 स्पून। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, और मिक्सिंग के बाद हम उसको क्या करेंगे, एक स्प्रे बॉटल में डाल देंगे या फिर आप एक डब्बी में स्टोर करके भी रख सकते हैं और उससे आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। या तो आपके पास इस तरह की डब्बी हो तो उसमें आप स्टोर कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप इसको स्प्रे बॉटल में डालिए, जैसे आपको कन्वीनियंट हो। लेकिन मैं इसको स्प्रे बॉटल में डालूंगी ताकि मुझे अपने फेस पे स्प्रे करने पर और उसको अच्छे से मसाज करने में ईजी रहे। तो चलिए इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इस सारे हम जो जेल बना है, टोनर बना है आपका, इसको हम एक बॉटल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं इसको मैंने बॉटल में ट्रांसफ़र कर लिया है, देन हम इसका कैप लगा लेंगे और इसको अच्छे से शेक कर लेंगे। ये अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप उसके फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। और आप देख रहे हैं कितना अच्छा टोनर बन के रेडी हो गया है। और अगर आप इसमें थोड़ा ज़्यादा एलोवेरा जेल ऐड कर लेंगे, ग्लिसरीन ऐड कर लेंगे, तो उससे इसका थोड़ा सा बॉडी फॉर्म हो जाएगा और ये जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बट आपका ये बेस्ट वे है, क्योंकि इतनी ही क्वांटिटी आपने सारी चीज़ों की रखनी है जितनी की मैंने आपको बताई है, तो ईजिली आपका 15 डेज तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका रेस्ट पानी बचा हुआ है उसको आप फ्रिज में रख दीजिए, और इसको भी यूज़ करके फ्रिज में रखते रहिएगा। अगर आप इसको विंटर्स में यूज़ कर रहे हैं तो आप रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रख दीजिए, और अगर समर में यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको फ्रिज में ज़रूर स्टोर करें। तो आप ठंडा ठंडा यूज़ करेंगे, कूलिंग इफेक्ट देगा, आपके जो फेस पे छोटे दाने होते हैं उनसे भी आपको बचाएगा। तो चलिए मैं अपने फेस पे आपको स्प्रे करके दिखा देती हूँ। लेकिन मेक श्योर, इससे पहले आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है। अगर आपके घर में हार्ड वाटर आता है तो सबसे पहले रोज वाटर से अपने फेस को क्लीन करें, देन उसके बाद ही आपको इसको अप्लाई करना है। अब जान लेते हैं अप्लाई करने का सही समय क्या है। तो एवरी नाइट आपने इसको अप्लाई करना है, डे टाइम में अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि हम बाहर जाते हैं धूल मिट्टी डस्ट लगती है, और साथ में यूवी रेज होती है सन की, वो लगती है, जो से इसका रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो नाइट में सबसे पहले अपने फेस को क्लीन करें, देन इसको अप्लाई करें और सो जाएं, और अर्ली मॉर्निंग अपने फेस को ठंडे पानी से धो लें। अब बात कर लेते हैं जो हमारे मेथी दाने के मोटे मोटे दाने बचे हुए थे, जो आपको मैंने कहा था बाद में आपको मैं बताऊंगी वीडियो के एंड में। तो आपको इसको फेंकना नहीं है, वीक में 2 टाइम्स आपने इसे स्क्रब करना है। जब भी आपने स्क्रब करना है तो इतनी सी क्वांटिटी आपने अपने हाथ में लेनी है, और साथ में एलोवेरा जेल इसमें ऐड करना है, और दोनों को अच्छे से मिक्स करके अपने फेस में मसाज करना है 3 से 4 मिनट के लिए, देन ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। इसका बेनिफिट क्या होगा, आपके स्किन के कलर को इन्हांस करेगा, ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, वो सारे से दूर हो जाएंगे, और आपके स्किन पर एक नेचुरल ग्लो आ जाएगा। अगर आप इसमें एलोवेरा के साथ हनी भी ऐड कर लेंगे तो और अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, एंटी एजिंग का काम करता ही है, और साथ में नेचुरल स्क्रब बन के तैयार हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप यूज़ करें, लेकिन जिनकी स्किन ओवर सेंसिटिव है, एक्नी बहुत ज़्यादा है, वो इस चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ग्रैन्यूल्स जो हैं वो बहुत मोटे हैं, तो वो आपके एक्नी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज़ आप सारी स्किन टाइप वाले इसको यूज़ कर सकते हैं।